हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 15 जून। 15 जून से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, या तो 1 नंबर से या तो सिलेक्शन रुक जाता है या तो सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है, और कभी कभी इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है। GK GS में 8 से 10 क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डेली बेस पर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, तो डेली बेस पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, आप एग्ज़ाम के टाइम पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। ये आपका आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर से कितना नंबर यहाँ से पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप समझदार हो तो सोशल मीडिया, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे यूज करने से तो अच्छा है, आप कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं डेली बेस पे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्विटर पर, जो सोशल मीडिया से ट्विटर बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ट्विटर पर 2.5 करोड़, मतलब 25 मिलियन, समझ गए होंगे, तो 25 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, या इनमें से कोई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका योगी आदित्यनाथ जी हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के आपके CM हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ के गवर्नर है, राजधानी यहाँ की लखनऊ है। तो 25 मिलियन जो करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े को पार करने वाले आपका UP के जो CM है योगी आदित्यनाथ, ये आपके बने हैं। तो इसको तो लगभग ये आपके आपके एक ही स्टेट के नहीं, पूरे आपके देश के बड़े नेता, आपके सेलिब्रिटी अब तक ये आपके नहीं पहुँच पाए, ये उन्होंने क्राइटेरिया को पूरा कर ली है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका तो योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपके UP के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। आपके दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री CM कौन है? तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी है, तो सभी चर्चा में रहते हैं। तो हाल ही में जो दिल्ली यहाँ पे दिल्ली में जो फूड ट्रक पॉलिसी सैद्धांतिक क्या है, तो आपके दिल्ली वालों के लिए खास करके इसको यहाँ पे जो रात में मतलब खाने के जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड का यहाँ पे इसको व्यवस्था की गई है, तो आपको रात में भी खाना इसी स्ट्रीट फूड के माध्यम से रात में आपको फूड प्रोवाइड इसके तहत की जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो व्यवस्था है आपके ट्रक के माध्यम से इसमें किया गया है, तो आपके कहीं भी लगभग दिल्ली के 16 जगहों पर इसको बनाए जाएंगे गवर्नमेंट आपके दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें रात को आप खाने के लिए मतलब किसी भी टाइम पर जाएंगे तो आपको खाना स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह इसको दिल्ली सरकार के द्वारा इसको, इसके पहले जो आपका जो जो फूड पॉलिसी स्ट्रीट जो फूड पॉलिसी है आपके इसके पहले आपका जो आपके यहाँ पे हांगकांग वगैरह बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया सिटी भी इसको लागू, इसको देखते हुए यहाँ पे जो दिल्ली सरकार ने, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद जो केजरीवाल हैं, यहाँ पे दिल्ली में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खास करके इसको फूड ट्रक पॉलिसी को ला रही है, जिसमें जो बेरोजगार हैं उनको लिए खास करके इसको आपके उनके ऊपर ये काम कर रही है। तो इसके ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग जैसे में ये आपके पहले से चले, इसको देखते हुए इसको लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ पे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको इसको पॉलिसी को लाया जा रहा है। तो लगभग आपके दिल्ली के 16 जगहों में इसको इस ट्रक योजना को लागू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसको बाकी जगहों में इसको स्टार्ट किया जाएगा धीरे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 2023 में, याद रखिए, हाल ही में किसने 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार ये जीती हैं? लक्ष्मी सिंह, प्रतिमा मित्तल, ललिता नटराजन, या इनमें से कोई नहीं थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय मूल के जो ललिता नटराजन, इन्होंने 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार यह दिया जाता है। किस काम के लिए इनको दिया गया? तो बाल अधिकार अधिवक्ता हैं ललिता नटराजन, तो इन्होंने इकबाल मसीह 2023 का पुरस्कार ही आपका जीता है। तो जो चेन्नई में जो स्थित वकील हैं, कार्यकर्ता हैं ललिता नटराजन, तो इनको बाल श्रम उन्मूलन के लिए आवाज़ जो है अमेरिका के जो श्रम विभाग के द्वारा 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार इनको दिया गया है। चेन्नई के रहने वाली हैं, एक अधिवक्ता हैं, तो इनको बाल श्रम उन्मूलन कार्य करने के लिए इसको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा।
तो ये आपके अमेरिका के जो श्रम विभाग के द्वारा इसको दिया गया है। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC, और जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और भारतीय मूल के जो हमारे वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके या भारत में जो शोषक बल श्रम को समाप्त करने की लड़ाई में इसको दिया गया है। बच्चों की पहचान, उनके ऊपर काम करने के लिए, खास करके इसको अच्छे काम के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, सभी को पता है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है, तो हाल ही में इनको कहाँ का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं, तो लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो RBI के जो गवर्नर है 25वें क्रम के हमारे गवर्नर है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और आपका 25वें क्रम के आपके गवर्नर हैं, याद रखिए। तो हाल ही में लंदन के गवर्नर जो हमारे शक्तिकांत गवर्नर हैं, इनको लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर से अवार्ड से इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लंदन की बात करूँ, लंदन जो आपका यूनाइटेड किंगडम के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो संसद लगभग यहाँ के लंदन में जो है, तो लंदन आपका यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, जो कि सबसे बड़ा शहर है, तो इसको याद रखिए। यहाँ की जो आबादी 9 मिलियन से भी कम है, तो इसको याद रखिए, जिसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने U20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने 5, 9, 7 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कुश्ती खेल से देख सकते हैं, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है ये, आपके कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 यहाँ पे अंतिम खेला गया था। ये आपका 2023 का डाटा है, तो इसको याद रखिए। स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला डाटा आपको याद रखना है। इसमें मैं बता दूँ, ये पहलवानों का खेल है, ये कजाकिस्तान में हुआ है, जिसमें भारत द्वारा 1 गोल्ड, जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, 3 रजत, इसमें रजत 3 रजत और 10 आपका कांस्य पदक, तो टोटल यहाँ पे 7 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीती गई है, तो इसको याद रखिए। इसमें हमारे भारत की तरफ से अनिरुद्ध गुलिया, इसे इन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की जो संख्या लगभग 14 पहुँचा दी गई है, जिसमें अनिरुद्ध जो गुलिया है यहाँ पर हिस्सा लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में विश्व रक्तदाता दिवस, यह जो दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जून, 14 जून, 13 जून या इनमें से कोई नहीं, तो हर साल इसको हम 14 जून को मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है मनाने के पीछे? रक्तदाता जो दिवस मनाने की जो शुरुआत सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य जो संगठन ने 2004 में इसकी शुरुआत की गई, तब से हम हर साल 14 जून को रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, या ब्लड डोनेट एक यहाँ पे रक्त डाटा जो ब्लड डोनेट के रूप में इसको हम मना, मतलब ज़रूरतमंदों तक जिंदगी को हम बचा सकते हैं डोनेट करके, तो हमको प्रायः सभी को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की जो शादी है 18 साल से भी कम उम्र में यहाँ पर हो जाती है? ये जो डाटा है आपका हाल ही में आई है, तो आपका भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेश भारत से पड़ोसी देश है, सबसे लगने वाला कंट्री है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश जो रिपोर्ट है, यहाँ पता चलेगा लगभग 40%, तो 40% यहाँ जो अधिक लड़कियाँ शादी 18 साल से भी यहाँ पर कम में कर दी जाती, साथ ही साथ यहाँ पर उन लोग को जो पढ़ाई की स्तर है उन लोग को पढ़ने भी नहीं दिया जाता, मतलब यहाँ पर स्कूल टाइम से भी मतलब बहुत कम लिखे यहाँ पे, बहुत पाबंदी यहाँ पे, तो पढ़ लिखे साथ ही साथ यहाँ पे किसी लड़की को कहीं जॉब भी करने नहीं दे, मतलब कहीं भी उनको बाहर भेजा भी नहीं जाता, इसलिए स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है इनके लाइफ में। तो बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की जो राजधानी, इसको ढाका कहा था, इसकी राजधानी आपका ढाका है, और बंगाली भाषा इन लोग उपयोग, यहाँ की राष्ट्रभाषा है बंगाली भाषा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद जो शहाबुद्दीन है यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शेख हसीना, याद रखिए शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? रांची शहर में, चेन्नई में, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो आपका जो स्क्वैश जो विश्व कप है आपके कौन से खेल से संबंधित है, ये आपका
बैडमिंटन खेल से संबंधित है जो इस बार भारत में इसको स्टार्ट हुआ है। आपका जो स्क्वैश जो चैंपियनशिप है आपका 13 जून को इसको चेन्नई शहर में इसको शूट मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। यहाँ हमारे जो खेल और युवा मामलों के जो राज्य मंत्री हैं ये एम के स्टालिन जो यहाँ के सीएम हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सीनेट क्या, जैसे हमारा भारत तो जो संसद है उसी तरह इसको अमेरिका में सीनेट कहा जाता है, यूएस सीनेट। तो हाल ही इस जो अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा यहाँ पे देने की मंजूरी दी है, रूस, भारत, चीन या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका सीनेट पैनल यहाँ पे हाल ही में चीन देश को विकासशील राष्ट्र यहाँ पे राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी की है। चाइना मतलब ये कि विकासशील राष्ट्र दे घोषित करने के लिए यहाँ पे जो बैठक इसमें चर्चा चली है, तो इसको चाइना को यह दर्जा देने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है आपके अमेरिका के द्वारा ही सीनेट में, यहाँ के संसद के द्वारा ये आप बात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनटीए क्या है, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहते हैं हिंदी में। तो हाल में इसके नए महानिदेशक कौन बने, अजय सिन्हा, सुबोध कुमार, अमित अग्रवाल या इनमें से कुछ। तो हाल ही में जो सुबोध कुमार सिंह हैं इनको हाल ही में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाल ही में इनके राष्ट्रीय परीक्षा जो सेवा केंद्रीय के हाल ही में इनको महानिदेशक इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो हमारे डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन या प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में इस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र इसको दिया गया है। तो हाल ही में 2 जून को इसको यहाँ पे इस जो ईट राइट स्टेशन या प्रमाण पत्र क्या होता है, तो खास करके यात्रियों को सुरक्षित और सूक्ष्म यहाँ पे फूड वगैरह खाने भोजन सुनिश्चित कराने के लिए अपने इसको जो गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है असम में आता है, यहाँ के बड़ी सिटी है, तो इसको इस काम के लिए इसको या आपका जो स्टेशनों की जो इस तरह के जो योजना प्रोवाइड कराने के लिए इसको ये ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र इसको दिया गया है। तो इसको यात्री बेहतर काम के लिए इसको प्रमाण पत्र यात्रियों को सुरक्षित स्वच्छ भोजन कराने के उद्देश्य से इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीएनजी इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से संचालित देश की पहली टायर ट्रेन कहाँ शुरू हुई है, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं, तो राजस्थान, राजधानी यहाँ के जयपुर, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। तो हाल ही में राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टायर ट्रेन यहाँ पे शुरू किया गया है। टायर ट्रेन क्या है, तो एक तरह की इसको यहाँ पे जो राजस्थान के जो गुलाब बाग में यहाँ पे टायर ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसके तहत यहाँ पे इसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। इसके तहत यहाँ पे जिनके द्वारा तैयार किया गया इस टायर ट्रेन, इंजीनियर जो अनिरुद्ध सिंह हैं इनके द्वारा इसको तैयार किया गया। इसमें ये टायर ट्रेन आपके खास करके इसको जो पर्यटन क्षेत्र में इसको लगाया जाएगा, जिसमें यात्रियों को इस ट्रेन के माध्यम से घुमाया जाएगा पर्यटक को, और यहाँ पे इसको सवारी करके इसको पर्यटन क्षेत्र में लगाने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो एक तरफ का आपका टायर ट्रेन जो आपका पर्यटन क्षेत्र को घुमाने के लिए इसको लगाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं, तो ये कहाँ मनाया गया है आपके उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा की बात करूँ यहाँ के राजधानी भुवनेश्वर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है आप नवीन पटनायक, यहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल ही में जो कृषि त्यौहार से जो संबंधित खेतों में यहाँ पे फसल के स्वागत के लिए खासकर उड़ीसा के किसानों और जो खेती और जो श्रमिक है खास करके यहाँ पे इस त्यौहार को यहाँ पे जो खेती के उत्साह से इसको मनाया जाता है, मतलब यहाँ पे नवाखाई मतलब इसको नाम दिया गया है। तो खास करके यहाँ पे मनाया जाता नई फसल आने के इसको उसके खुशी में इसको मनाया जाता, मतलब फसल से संबंधित त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, असम, मिजोरम, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो हाल ही में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है नागालैंड में, एक ऑफिस आरबीआई का। आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया है और मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो 25वें क्रम के गवर्नर
स्टार्टिंग में बताया शक्ति का अंदाज जी इसके वर्तमान में गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। तो क्षेत्रीय कार्यालय है नागालैंड में, इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख, अगला और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्मिक मेकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे? तो गायक, उपन्यासकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जाने माने अमेरिका के उपन्यासकार थे जिनके हाल ही में, या आपके मेकार कार्मिक मेकार थे जिनके हाल ही में निधन हो गए थे, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।